दुनिया सवाल करती है ना, दुनिया हमेशा से सवाल करती आई है, वो अभी भी सवाल करती है। पहले हमारे यहाँ लोग घबराते थे हमारे बच्चों से सवाल करते हुए, क्या कि भाई शिया के बच्चे से सवाल मत करो, क्यों इसके पास हर चीज़ का जवाब है, नहीं करते थे। अब क्या हो गया है, अब हमारे ही बच्चे हमसे वो सवाल कर रहे हैं जो बेसिक सवाल होते हैं। मौलाना ये हम बार बार क्यों जिक्र मनाते हैं, बार बार क्यों होता है, क्यों ऐसा हो गया ये कुछ सालों में? क्योंकि जिस दरसगाह से इल्म निकलना था, इल्म निकलना था, इल्म मेरासी अहले बैत की है। कोई भी इल्म हो, कोई भी इल्म हो, ये हमने डिवाइड किया है, ये दुनियावी इल्म है, ये दीनी ना। असल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। छठा इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाह सल्ले अला हम्मा आले, छठा इमाम फरमाते हैं कि असल नूर है इल्म। खुदा जिसके दिल पर चाहता है इस नूर को उतार देता है। वो कल्ब चाहिए, वो ज़र्फियत चाहिए कि जिसके दिल पर ये उतरे। इल्म कोई भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मॉल सब है क्या? कोई इल्म खुद तो लेके नहीं आया ना। खूब फिजिक्स क्या है? स्पेस है। स्पेस साइंटिस्ट ने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। केमिस्ट्री क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल किसने बनाए? खुदा ने बनाए। और खुदा ने क्या बनाया? खुदा ने क्या बनाया? हाइड्रोजन क्या करती है? इग्निट करती है। आग को स्टार्ट करने के लिए हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन आग को हवा देता है, बढ़ाता है। अब इन दोनों को जोड़कर उसने इन्हीं को बुझाने वाला पानी बना दिया, H2O। बच्चे बैठे हुए, बहरहाल बच्चों वाली बात है, लेकिन बनाने वाले ने कितना बनाया? दो तजाद चीजों को जोड़कर पानी बना दिया। अब भी अगर खुदा समझ में ना आए तो मैं कहां ढूंढ रहा हूं खुदा को? खुदा तो यही है, यही खुदाई चाहिए। असल में छठे इमाम के पास आया शख्स, मौला ये जो कुरान में आयत है, मशहूर आयत है कुरान की, कि हजरत सुलेमान नबी का दरबार लगा हुआ है, हुदहुद आया। अब कितने दर्स है ना, देखें कुरान तो है ही दर्स की किताब है, कुरान जिक्र अहले बैत है। आया, तजस्सुस बताया, कहा झूठ हुआ तो मार दिए जाओगे, कहा नहीं एक जगह है, एक ऐसा है, वो शिर्क करते हैं और ये करते हैं। तो नबी थे, एजाज रसालत हकूमत, बहुत बड़ी हकूमत जो हज़रत सुलेमान के पास है। कहा तख्त बिल्किस कौन लाएगा, कितनी देर में लाएगा? सब ने बोला आधे दिन में, किसी ने बोला इतनी देर में, किसी बोल रहे कुरान क्या कहता है। एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा मैं पलक झपकते ले आऊँगा, मैं पलक झपकते ले आऊँगा। रिवायात कहती हैं कि जब आसिफ इब्ने बरखिया ने इरादा किया, ज़मीन फट गई और हाथ सीधा बिलकीस के तख्त पे गया और ले आया। बहुत फासला है, बहुत फासला है। कुरान कहता है उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा इल्म था। कहा मौला ये क्या है? कहा उसके पास जो इल्म था वो कतरा था, हम उस इल्म का समंदर है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले।